सीहोर जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम चंदेरी के किसान व समाज सेवी MS मेवाड़ा के नेतृत्व में सीहोर जिले के ग्राम तंज चौंडी चंदेरी जैसे अन्य गांवों में किसानों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अवगत करवाया गया है कि प्राकृतिक असंतुलन एवं कीटों व नाना प्रकार की बीमारियों के कारण सोयाबीन फसल की उपज नाम मात्र की हो रही है। वहीं सोयाबीन की फसल बोने से लेकर खाद उर्वरक कीटनाशक दवाइयों में इतना खर्च आ रहा है कि सोयाबीन की फसल घाटे का सौदा हो रहा है और किसानों को सोयाबीन की फसल का जो भाव मिल रहा है उसमें किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है, जिसको लेकर किसानों ने खेत में अनोखा प्रदर्शन कर मांग की है कि विगत 8 वर्षों पुराने 4000 रुपए प्रति क्विंटल वाले भाव से ही सोयाबीन क्रय की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सोयाबीन से बनने वाले खाद्यान्नों भाव आसमान छू रहे हैं, तो फिर किसानों से ही ये भेदभाव क्यों? इसलिए सोयाबीन की फसल का भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। सोयाबीन की फसल का कम भाव होने के कारण किसान कर्ज के दलदल में धंसा चला जा रहा है। मांग करने वालों में प्रमुख रूप से किसान में दुर्गा प्रसाद, अमर सिंह मेवाड़ा सहित कई किसान मौजूद थे। सभी किसानों ने यह भी कहा कि हमारे कृषि प्रधान देश में सरकार को किसानों पर ध्यान देना होगा और खेती का लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों की दशा सुधारनी होगी। हमारी 50-60% सोयाबीन की फसल तो खराब हो चुकी है। इस बात को लेकर के हम एक अनुरोध आपके माध्यम से और कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध कर रहे हैं, जिला प्रशासन से भी, कि आप पटवारी ग्राम सेवक को किसानों को खेतों पर भेजिए, इस खराब हो रही सोयाबीन की फसलों का सर्वे कराइए। ये इस तरीके से हो रही है, फसलें देखिए सूख रही है, इसके सर्वे कराइए और RBC 6-4 के अंतर्गत इन्हें मुआवजा राशि दिलाइए किसानों को, और किसानों को बीमा राशि भी दिलाई जाए, क्योंकि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।